एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के हॉल में रेडी टू वियर साड़ियां भी होने वाली हैं और नॉर्मल भी होने वाली हैं, तो वन बाय वन करके सभी के डिटेल मैं आप लोगों को दूंगी। अच्छाई बुराई जो भी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगी। उससे पहले बता दूँ, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट मीशो पर जाकर ले सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड फर्स्ट साड़ी मैं आप लोगों को रेडी टू वियर ही दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी साड़ी एंड ये साड़ी मुझे जब मैंने ऑर्डर करी थी लाइक 999 की साड़ी थी एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रेडी टू वियर साड़ी एंड स्टिच्ड ब्लाउज साड़ी मुझे इस प्राइस में मिलेगी। मुझे लगा था मीशो पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, तो मुझे लगा था कि ये फ्रॉड होगा, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। सच में मुझे 1000 रुपीज़ में इतनी प्यारी फुल रेडी टू वियर बेल्ट वाली साड़ी मिली। आप देखो, इसका ब्लाउज है जो कि फुल हैवी वर्क के साथ है, एम्ब्रॉयडरी के साथ, एंड ये साड़ी है एंड ये इसकी बेल्ट है। तो सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज आप लोगों को दिखाऊंगी। आप देखो, ब्लाउज हैवी वर्क के साथ एंड प्लेन साड़ी है, ब्लाउज इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है ना, फुल हैवी वर्क। आप देखो कितना प्यारा सा वर्क है, कितना नीट एंड क्लीन वर्क है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वर्क है, बहुत ज़्यादा, मतलब इस प्राइस में मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस प्राइस में ये साड़ी मिली। अगर आपको पसंद आए ना तो इसके लिए आप सोचिएगा मत। और पीछे से अगर मैं बात करूं तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, आप देखो बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है, पैडेड ब्लाउज है, एंड अंदर से अगर मैं बात करूँ अच्छी क्वालिटी का इनर लगाया गया, पैड हैं लेकिन ओके क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। सिर्फ इसके ब्लाउज में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि ना तो इसमें हुक है और ना इसमें चेन लगी हुई है। मुझे नहीं पता ये पहनना कैसे है, ऊपर से ऐसे नॉर्मल टॉप की तरह, हो सकता है क्रॉप टॉप की साथ पहन के जैसा पहनना हो, लेकिन आप इसमें साइड में चेन अटैच करा सकते हो, ये आपको कराना पड़ेगा, नहीं तो इसमें पहनने के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये नॉर्मल क्रॉप टॉप की तरह दिया हुआ है। ब्लाउज बहुत अच्छी क्वालिटी का है एंड प्लेन साड़ी, आप देखो कितनी प्यारी साड़ी, इस प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लाइक साड़ी जो है लिक्रा क्लॉथ में है एंड ये बेल्ट वाली साड़ी है, कुछ इस तरह की साड़ी है ये जो है साड़ी, इस तरह की ये आपको इस तरह से मिलेगी। और इस तरह से सबसे पहले तो इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, कलर्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे बेल्ट वाली साड़ी ऐसे लाओगी आप, ऐसे बेल्ट लगा लोगे, यहाँ पे ये प्लेट्स मिल जाएंगी इस तरह की, एंड जो मैक्सिमम साड़ियों में होती है ना प्रॉब्लम लेंथ की, तो वो अगर आपकी इसको इसमें आती है ना तो आप इसको कट करा सकते हो, क्योंकि इसमें नीचे ना बॉर्डर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है एंड ऐसे ही कट करी हुई है। तो इसको आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कट करा सकते हो, क्योंकि ये लिकरा क्लॉथ है, इसमें से जो है ना धागे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह की साड़ी है, बिल्कुल प्लेन, एंड टर्न होके जो पल्लू पोर्शन आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का, ये आप देखो ट्रिपल रेडी है पल्लू का पोर्शन भी, एंड यहाँ पे आके ये इस तरह से टक हो जाएगा। प्लेन साड़ी है, बिल्कुल प्लेन साड़ी है एंड हैवी वर्क के साथ ब्लाउज है, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये, मतलब सोचिएगा मत, बस जो वो चीज़ थी वो मैंने बता दी है। बेल्ट आपको मिलेगी हैवी वर्क के साथ, जैसा कि ब्लाउज है इस तरह की बेल्ट मिलेगी। मैंने बहुत कॉस्टली साड़ियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, लेकिन उसमें क्या था, बेल्ट ऐसे नॉर्मल सी दे देते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन इसमें बेल्ट की स्टिचिंग भी आप देखो कितने अच्छे से करी गई है। ये लगाया गया है पीछे बांधने के लिए और इस तरह से ये आप देखो, इस तरह की बहुत अच्छे से बेल्ट बनाई गई है एंड इस प्राइस में इस साड़ी में कुछ भी बुराई नहीं है। लाइक आप बिना सोचे ले सकते हो, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट साड़ी जो है हमारी, ये बॉलीवुड रेप्लिका साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये जो क्लॉथ है इसका वो है जापानी साटन और सीक्वेंस वर्क में है ये, बहुत ही प्यारी सी साड़ी लग रही थी एंड रियल में भी ये काफ़ी प्यारी साड़ी लग रही है। आप देखो बीच में से बिल्कुल प्लेन है एंड मुझे पर्सनली इस तरह की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिनके हैवी ब्लाउज होते हैं एंड प्लेन साड़ियाँ होती हैं, लाइक सिर्फ छोटे से बॉर्डर के साथ साड़ियाँ होती हैं। बहुत सारे लोगों को इस तरह की साड़ियाँ पसंद होती हैं, मुझे तो इस तरह की साड़ियाँ पसंद है, आप लोगों को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये साइड में सिर्फ बॉर्डर मिलेगा, बीच में से प्लेन मिलेगी। इसका जो क्लॉथ है वो है जापानी साटन, जो कि काफ़ी प्यारा सा क्लॉथ होता है, बहुत ही मतलब थोड़ा फिसलता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। पूरी साड़ी पर आपको ये बॉर्डर मिलेगा, लाइक पल्लू पोर्शन की साइड भी सिर्फ ये बॉर्डर ही मिलेगा। पूरी साड़ी इसी तरह की है, कुछ भी नहीं है, ये सीक्वेंस वर्क है पूरी बॉर्डर पर और अलग से लगाया गया है ये बॉर्डर, और सीक्वेंस वर्क बहुत अच्छा सा है, गोल्डन कलर का है एंड ये कट वर्क में है, इस तरह से कट वर्क में। इस साड़ी का जो बेस्ट पार्ट है वो अंदर से सिर्फ इतनी सी प्लेन है, बाकी ये बॉर्डर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जो इसकी बेस्ट क्वालिटी है, जो कि मैक्सिमम साड़ियों में नहीं होती है, बहुत कम साड़ियों में मिलती है जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है कि आपको जो है ना बैक पे भी प्लेन नहीं आएगा, सिर्फ ये इतना सा पोर्शन है जो कि अंदर आ जाएगा प्लेन और फिर ये बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही प्यारी लगेगी। कट वर्क में है तो इस तरह का लुक बहुत प्यारा लगता है। ब्लाउज की अगर मैं बात करूँ तो इस साड़ी का ब्लाउज और भी ज़्यादा गजब का है, मतलब अगर मैं बोलूँ, मैंने बहुत कॉस्टली साड़ियाँ भी दिखाई हैं लेकिन इतना क्लॉथ किसी में भी नहीं देते हैं, तो मैं
आपको दिखाती हूँ। एंड इस तरह का ब्लाउज मैंने अभी तक किसी का शेयर नहीं कराया है। फ्रंट आपको इस तरह का मिल जाएगा जो कि फुल सीक्वेंस वर्क के साथ है। आप देखो बहुत ही प्यारे से नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है। छोटे छोटे जो सीक्वेंस वर्क होते हैं वो हैं एंड जरी वर्क है। उसके पास ये प्लेन क्लॉथ दिया हुआ है, कितना ज़्यादा है आप देखो, ये पूरा फ्रंट पोर्सन है। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स के लिए आप देखो फुल स्लीव्स आपकी बन जाएंगी, लाइक यहाँ तक की तो बनी जाएंगी जितनी मैंने पहनी हुई है। एंड उन पर पूरी पे सीक्वेंस वर्क है जो कि बहुत प्यारे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से। ये एक स्लीव्स और ये दूसरी स्लीव्स आप देखो कितने अच्छे से वर्क करके दिया गया है। एंड ये पोर्सन आपको एक्स्ट्रा मिलता है प्लेन, जो कि आप बैग बनवा सकते हो। तो इसमें ब्लाउज का क्लॉथ लाइक आपको 1 मीटर से भी ज़्यादा दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से आपका ब्लाउज बन जाएगा। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये साड़ी, हाईली रिकमेंड है। अगर आपको पसंद आए ना, आप बिना सोचे ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड इस साड़ी में कुछ भी मुझे कमी नहीं लगी है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। तो साड़ी अगेन हमारी रेडी टू वियर है। इसमें मैंने कलर मंगाया है ब्लैक, एंड इस तरह की एक ब्लैक साड़ी मैं बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मैंने मंगाई थी तो मंगाते ही मेरे आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अभी मैंने नेक्स्ट फिर से सर्च करी और ये साड़ी मंगाई है, एंड मुझे इस बार भी बहुत ही प्यारी लगी है ये साड़ी। फुल रेडी टू वियर साड़ी है, फुल रेडीमेड ब्लाउज है। आप साड़ी देखो इस तरह की है, ये है इसका ब्लाउज। सबसे पहले मैं आपको साड़ी शेयर करती हूँ। अगर आपको ये करवा चौथ के लिए चाहिए तो आप कलर चेंज भी मंगा सकते हो, तो क्योंकि ब्लैक बहुत सारी जगह पे आई थिंक मैक्सिमम जगह पे ब्लैक नहीं पहनते हैं, तो कलर इसमें आप और भी मंगा सकते हो। बट मुझे ब्लैक ही चाहिए था क्योंकि पहले जो मुझे पसंद आई थी वो ब्लैक ही पसंद आई थी, तो इसलिए। तो ये जो साड़ी है ना, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जो साड़ी मिलेगी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। लिकरा इसका क्लॉथ है, बेल्ट वाली साड़ी है जो कि ऐसे करके बेल्ट लग जाती है, यहाँ पर ये प्लीट्स आ जाती हैं ये। और इसका जो नीचे का पोर्सन बहुत अच्छा है, ये कुछ इस तरह का ना फ्रिल वाला जो होता है, ये इस तरह की फ्रिल आएगी। एक सेकंड मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की फ्रिल आएगी ये, इस तरह की, ये आप देखो, जो कि बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की फ्रिल। तो ये इस तरह की फ्रिल आएगी नीचे, बहुत ही प्यारी साड़ी है। एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आपको आ सकती है, मेरी 5'1" थी तो मुझे हील पहननी पड़ी, 5'1" 5'2" के बीच की मेरी हाइट है, तो मुझे थोड़ी सी हील्स पहननी पड़ी, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं थी ये। और पल्लू पोर्सन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से फुल स्टिच आपको पल्लू पोर्सन मिलेगा, जो कि इस तरह से आ जाएगा आपका, इस तरह से, जो कि बहुत ही प्यारा। कलर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने अगेन ब्लैक ही मंगाई है। ब्लाउज इसका कुछ इस तरह का है जो कि वेलवेट क्लॉथ में है, एंड इस पर जो है ना सीक्वेंस वर्क हो रखा है, जो कि बड़े बड़े से सीक्वेंस होते हैं ना वो, एंड जो ब्राउन से कलर में सीक्वेंस वर्क होते हैं उस तरह के ब्लाउज सीक्वेंस वर्क है। बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है, पीछे से प्लेन मिलेगा, आगे से कुछ इस तरह का सीक्वेंस वर्क में मिलेगा। और ये ब्लाउज सिर्फ 36 साइज को आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, अगर 36 जो है वहां तक आएगा, इससे ज्यादा को नहीं आएगा। ज्यादा ज्यादा 37 को आ सकता है, इससे ज्यादा ये ब्लाउज नहीं आएगा। पैडेड ब्लाउज है, अंदर बहुत अच्छे से पैड मिल जाएंगे, और क्लॉथ क्वालिटी इनर की ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्लीव्स इसमें नहीं दी हुई हैं, स्लीव्स अगर आपको लगवानी है तो आप वेलवेट का क्लॉथ लेके अलग से और लगवा सकते हो, बहुत इजीली लग जाएंगी। बट साड़ी बहुत प्यारी है एंड आपको बहुत अच्छा लुक देने वाली है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। नेक्स्ट साड़ी हमारी थोड़ी सिंपल सी है बट बहुत ही प्यारी है। ये देखो आप सिल्क टाइप के क्लॉथ में है, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ, मैं लिख दूंगी यहाँ पे जो भी इसका क्लॉथ है। कुछ इस तरह की साड़ी है, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं जिसमें हमें सिंपल साड़ी पहनने का मन करता है। ये पूरी साड़ी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरी साड़ी पर इस तरह का ये वर्क मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर बने हुए हैं जो कि ग्रीन रेड एंड जरी वर्क से बने हुए हैं। पूरी साड़ी पे इस तरह से ये पाइपिंग मिल जाएगी जो कि मेहरून कलर से लगी हुई है। काफी अच्छी साड़ी है, काफी प्यारी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। पल्लू पोर्सन की साइड ये पाइपिंग ही लगी हुई है और ये टसल्स लगी हुई है, और ये जो फ्लावर है पल्लू पोर्सन की साइड पूरे पे है ऊपर से नीचे तक, और जो ये प्लीट्स पोर्सन है उसमें सिर्फ नीचे नीचे दिए हुए हैं। इस तरह से पाइपिंग और फ्लावर नीचे नीचे दिए हुए हैं, ऊपर से प्लेन है। साड़ी में भी अगेन वही प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम साड़ियों में होती है, इसकी जो पाइपिंग है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि 1 मीटर से भी ज्यादा है, जो कि 1.25 मीटर में बोल सकती हूँ, 1 मीटर से भी ज्यादा जो है, उसके बाद ये पाइपिंग स्टार्ट हो रही है। तो पीछे से ये प्लेन आएगी, जो कि मैक्सिमम साड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, बट कॉस्टली साड़ियों में भी हो रही है, तो कम प्राइस की साड़ी है। बाकी ये साड़ी अच्छी है, इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है आपके नॉर्मल फंक्शन के लिए या फिर डेली वेयर के लिए, या वैसे भी काफी प्यारी सी साड़ी है। इसका जो ब्लाउज है वो 70 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का नहीं है। ब्लाउज की क्वालिटी ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, प्लेन ब्लाउज है, कुछ भी नहीं है ब्लाउज पे। नेक्स्ट साड़ी जो है हम
हमारी वो भी सिंपल में है बट बहुत ही प्यारी सी है। इस तरह की एक और साड़ी पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड तब भी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। नेक्स्ट अभी मुझे मिली तो मैंने लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। कलर इसका बहुत ही प्यारा सा है, फॉल्स मिरर वर्क के साथ ये साड़ी है। सीफॉन इसका क्लॉथ है, सीफॉन जॉर्जेट जो क्लॉथ होता है उस तरह का है ये, जॉर्जेट इसका क्लॉथ है। और पूरी साड़ी पे आप देखो ये मिरर वर्क जो कि फॉल्स मिरर वर्क है इस तरह के लगाए गए हैं। ये ना अलग से नहीं है, बॉर्डर नहीं लगाया गया, ये सिर्फ इसी के अंदर धागे करके ना धागे की एम्ब्रॉयडरी और उसके अंदर लगाए गए हैं, अलग से लेस नहीं है। ये पूरी साड़ी पे आपको यही लेस मिलेगी, पूरी ओवरऑल साड़ी पे आपको यही लेस इस तरह से ही बॉर्डर मिल जाएगा जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड ये इस तरह से कट वर्क में आएगा, किनारे पे कुछ कट वर्क सा आएगा, बीच बीच में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जो है मिरर वर्क लगे हुए हैं, धागे की एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है साथ में। पल्लू पोर्शन पे भी कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ यही वर्क है एंड ये बॉर्डर ही आ जाएगा साथ में। अंदर से अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर के बाद ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि मैक्सिमम साड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि पीछे के साइड ये साड़ी में प्लेन आएगा, ये इसमें कमी है। बाकी ये साड़ी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, साड़ी बहुत अच्छी है, क्लॉथ क्वालिटी अच्छी है एंड ये फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि बैक साइड पे क्योंकि ये 1 मीटर से भी ज़्यादा है जो कि प्लेन है, उसके बाद ये वर्क स्टार्ट हो रहा है। तो ये साड़ी पीछे के साइड प्लेन आएगी, ये बाकी आगे आके टर्न जहाँ से होता है वहाँ पे फ्रंट पैर के साइड वहाँ पे ये साड़ी का वर्क आएगा, तो इसमें प्रॉब्लम है। वैसे साड़ी बहुत अच्छी है, कोई भी इसके अंदर कमी नहीं है। इसके ब्लाउज पीस की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर से भी कम है, 80 सेंटीमीटर तो नहीं, 70 सेंटीमीटर के आसपास है। बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज पे जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्लॉथ क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार सी क्वालिटी के साथ दिया हुआ है, लेकिन साड़ी अच्छी है। आप चाहो तो ब्लाउज अलग से बनवा के ये जो बॉर्डर है ये निकलवा के साड़ी पे अटैच कर सकते हो जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये वाला ब्लाउज का जो बॉर्डर है वो कट करा लीजिए और साड़ी में अटैच करा दीजिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ब्लाउज अलग से बना लीजिए, ये आप इसमें जुगाड़ कर सकते हो जो कि मेरे तरफ से फ्री एडवाइस है। ये था आज का हमारा हॉल, आई होप कि ये हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा है, कौन सी साड़ी आपको पसंद आई है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ बताने से छूट गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।